हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू मोर वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कतर में रहते हैं उनसे रिलेटेड। आप अगर कतर में रहते हैं तो आप हर महीने में आपको सैलरी मिलती होगी, और सैलरी मिलती है तो आपको एक्सचेंज जाना होता है पैसे भेजने के लिए। तो मैं आपका काम आसान करने वाला हूँ, जिससे आपको घर पे बैठे ही, रूम पे बैठे ही मालूम चल जाएगा किस एक्सचेंज से पैसा भेजे, क्या उसका एक्सचेंज का रेट मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास देखिए एक ओरिडो का सिम होना चाहिए और ओरिडो मनी का एक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास ओरिडो का सिम है, ओरिडो मनी का अकाउंट है, तो आप उसे लॉगिन करके आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें देखिए आपको सभी कंट्री का अलग अलग आपको रेट मिल जाएगा। चाहे आप इंडिया भेज रहे, पाकिस्तान भेज रहे, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में आप भेज रहे, आपको सभी का एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। रूम पे बैठे ही मालूम चल जाएगा कि कौन से बैंक से आपको कितना रेट मिल रहा है। तो देख लीजिए, मैं अभी इंडिया को ओपन कर रखा हूँ। इंडिया के लिए देखिए आपको मिल जाएगा, इंडिया का आप मनीग्राम से भेज सकते हैं, ट्रांसफर से, और अलदार से, गल्फ एक्सचेंज, अरबियन, अलजमन, ये सभी एक्सचेंज है। इनसे आपको बैंक टू बैंक पैसा भेजने का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप डायरेक्ट अकाउंट में भेज सकते हैं। आप इनका एक्सचेंज रेट भी देख सकते हैं कितने अच्छे रेट है, 22.60 रुपये, 22.53 रुपये। आप यहाँ पे बैठ करके देख सकते हैं, जो आपको चॉइस हो उससे भेज सकते हैं। इसके लिए आप वेस्टर्न मनी के लिए से भी भेज सकते हैं, जो वेस्टर्न मनी बोलते हैं उसे मनीग्राम द्वारा आप भेज सकते हैं। और अगर आप इंडियन हैं तो आपके पास पेटीएम वॉलेट होगा, तो पेटीएम वॉलेट में भी आप ट्रांसफ़र चाहे तो कर सकते हैं। पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए अभी हम दूसरे कंट्री के लिए देखते हैं। दूसरे कंट्री में पाकिस्तान के लिए सर्च कर लेते हैं, पाकिस्तान का क्या एक्सचेंज रेट मिल रहा है। तो आप देख लिए पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पर मनीग्राम है, ट्रांसपार्ट है, थुनेस है, अलदार है, गल्फ एक्सचेंज है और अलजमन है। इन सभी का रेट आप देख सकते हैं डिफरेंट है। अब इसमें आपको जो भी अच्छा लगता है, देखिए 78.25, 78.69, 77.83, 78.58, जो भी इसमें से आपको एक्सचेंज में अच्छा लगता है, आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में यहाँ से भेज सकते हैं। और अगर आपको मनीग्राम से भेजना है जैसे वेस्टर्न यूनियन है, तो वो भी आप भेज सकते हैं कैश पिकअप के ऑप्शन में जा करके। ये आपको जो रेट मिलेगा ये आपको अलग रेट होगा, ठीक है। अगर आपका वैलेट है, आपके पास पाकिस्तान में बहुत सारे वैलेट है, पाकिस्तान के वैलेट में भी आप अगर भेजना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे आपको एक्सचेंज रेट मिल जाएगा, किस वैलेट का क्या रेट मिल रहा है, किसके थ्रू। यहाँ सभी आपको वैलेट में भेजने का अलग अलग एक्सचेंज आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम किसी और कंट्री के लिए भी देख लेते हैं, जैसे कि हम बांग्लादेश का देख लेते हैं कि बांग्लादेश का क्या रेट मिलेगा। ये आ गया बांग्लादेश का। अभी बांग्लादेश में देखिए कितने सारे एक्सचेंज है बांग्लादेश के लिए भी। मनीग्राम है, ट्रांसफास्ट है, ट्रांसफास्ट, अलदार, गल्फ एक्सचेंज, अरबियन, अलजमन, ये सभी एक्सचेंज से आप आराम से पैसे भेज सकते हैं। इन सभी का रेट आपको अलग मिलेगा, और ये सभी बैंक टू बैंक है, यानी कि आप अपने अकाउंट में पैसे भेजने का ऑप्शन है। अगर आपको वेस्टर्न यूनियन करना है तो इसके लिए भी आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, जो मनीग्राम के थ्रू जाएगा। इसका एक्सचेंज रेट आपको अलग है। और आप अगर वैलेट में भेजना चाहते हो तो आपका भी जो डिजिटल वैलेट होते हैं, वैलेट में भेजने चाहते हैं तो इनका तीन ऑप्शन है, तीन वैलेट के। तो आप कौन से थ्रू कितना रेट मिलेगा इसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना रुपए मिलेगा कौन से एक्सचेंज के थ्रू में। तो ये जितना भी आप भेजना चाहते हैं, जो भी पैसा, आप यहाँ से आराम से भेज सकते हैं। अभी हम चलिए देख लेते हैं कि नेपाल का क्या सिस्टम है, नेपाल का कैसे कितना एक्सचेंज है नेपाल के लिए। ये नेपाल के लिए आ गया। नेपाल के लिए देखिए चार एक्सचेंज है, एक मनीग्राम है, ट्रांसफास्ट है, अलदार है और गल्फ एक्सचेंज है। इन सभी का देखिए नेपाल का ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, नेपाल के लिए बहुत कम ही डिफरेंट है, 1 पैसे 2 पैसे का डिफरेंट है। नेपाल वाले भी आराम से यहाँ से पैसे भेज सकते हैं बैंक टू बैंक, यानी अपने बैंक अकाउंट में यहाँ से भेज सकते हैं। और कैश पिकअप जो वेस्टर्न यूनियन जिसे बोला जाता है, उसका भी एक ही ऑप्शन है, और डिजिटल वॉलेट का इनका तीन ऑप्शन है। आप डिजिटल वॉलेट में भी आराम से यहाँ से पैसे भेज सकते हैं डिजिटल वॉलेट के लिए। डिजिटल वॉलेट का अलग एक्सचेंज रेट होता है, और कैश पिकअप वाला अलग एक्सचेंज होता है, और बैंक टू बैंक के लिए सबसे अच्छा एक्सचेंज मिलता है। किसी भी एक कंट्री में आप भेजेंगे, बैंक टू बैंक के लिए अच्छा एक्सचेंज रेट मिल जाता है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि हम इसके लिए पैसे कैसे भेज सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, देखिए इंडिया सर्च कर लिया। इंडिया सर्च करने के बाद हम गए यहाँ पे प्लस का जो आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एड ए न्यू रिसिप्ट, तो यहाँ पे हम इसको टच करेंगे। यहाँ पे टच करने के बाद देखिए
या ऑप्शन कुछ आ जाता है, जैसे इंटरनेशनल में पैसा भेजना है या आपको ओरडियो वैलेट में भेजना है या लोकल किसी बैंक में आपको पैसा भेजना है, ये सभी ऑप्शन आ जाता है। अगर लोकल बैंक मतलब आपको यहीं पर कतर में किसी के अकाउंट में भेजना है वो भी आप भेज सकते हैं, और कोई आपका फ्रेंड्स है तो उसके वैलेट में भी आप पैसे को भेज सकते हैं। और आपको अगर क्या बोलते हैं अपने कंट्री में भेजना है नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, तो आप उसके लिए इंटरनेशनल के ऑप्शन में जाना होगा। हाँ, तो जब हम इंटरनेशनल को टच करते हैं तो अपना इसमें से कंट्री को चूज़ करने का आ जाता है ऑप्शन कि कौन से कंट्री में भेजना चाहते हैं। तो मैं इंडिया के लिए मैं तो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इंडिया में मैं किसके थ्रू भेजना चाहता हूँ वो अब इसमें देख लेता हूँ कि मेरे को कौन सा एक्सचेंज सही रेट दे रहा है। तो मुझे गल्फ़ वाला एक्सचेंज सही रेट दे रहा है तो मैं गल्फ़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपको अपने बैंक का डिटेल्स डालने का कि आपको कौन से बैंक में वहाँ पर भेजना है। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ जो भी मेरा बैंक है मैं उसमें भेजने के लिए, उसका नाम यहाँ पे पहले नंबर पे बैंक नेम में सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने अपना बैंक अकाउंट पेटीएम को चूज कर लिया। अब यहाँ पे ब्रांच नेम देखने को आ रहा है कि आपका कौन सा ब्रांच है, तो मेरा नोएडा का ब्रांच है तो नोएडा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर है अकाउंट नंबर डालने का, तो जो अभी आपका अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे आप डाल लेंगे। अकाउंट नंबर यहाँ पर एक बार डालेंगे उसके बाद आपको री इंटर अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। री इंटर मतलब फिर से आपको अकाउंट नंबर वही सेम डालना है। तो मैं सेम फिर से एक बार और अकाउंट नंबर इंटर कर लेता हूँ। इसके बाद जब अकाउंट नंबर मेरा दोनों सेम हो जाता है तो ये ग्रीन हो जाता है, ग्रीन होने ब्लैक मतलब सेम हो जाता है, रेड नहीं रहता। इसके बाद अपना नाम डालने के, किसके नाम से है अकाउंट उसका नाम डालने का, यहाँ पे फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम डालने का है, किसके नाम से है उसका लास्ट नेम। लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ पर उसके बाद वहाँ पर किस पे मैसेज आप लेना चाहते हैं उनका नंबर डालना है। तो मैं अपना नंबर यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ, मेरा ही अकाउंट है, मैं अपने मोबाइल पे ही मेरे को मैसेज नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर में डाल लेता हूँ कि मेरे नंबर पे ही मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं अपना नंबर यहाँ पे डाल लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज़ करने का आ रहा है, जिसको पैसा भेज रहे हो उसकी नेशनलिटी क्या है। तो मैं अपने को अकाउंट में ही भेज रहा हूँ, मेरा तो नेशनलिटी इंडियन है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इससे रिलेशनशिप क्या है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ब्रदर, ब्रदर इन लव, कज़न, फादर, फादर इन लव, फ्रेंड, हस्बैंड, मदर, वाइफ, सेल्फ, किसको भेजना चाहते हैं उसका आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट है तो मैं अपने आप को यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, तो प्लेस ऑफ बर्थ आपका बर्थ कहाँ पे हुआ है वो भी यहाँ पे भरना पड़ेगा। देखिए ये सब जो है ना ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये सब ऑप्शन पहली बार लिया जाता है, उसके बाद हमेशा नहीं लिया जाएगा, उसके बाद हमेशा परमानेंट आपका सेव हो जाएगा। तो मैं अपना प्लेस ऑफ बर्थ उत्तर प्रदेश डाल दिया। इसके बाद ये नीचे तीर का जो निशान है इससे मैं एरो से नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपके एक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा 4 डिजिट का, वो 4 डिजिट का ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल पे रिसीव हो गया है, मैं इसमें ओटीपी इंटर कर लेता हूँ। यह मेरा ओटीपी हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको पैसे का ऑप्शन आ जाता है कि आपको कितना पैसा भेजना है, तो आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं, कितना रियाल, वो यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे 1 रियाल से लेकर के 10,000 रियाल तक आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो वन टाइम में। आप एक्सचेंज में जाएंगे तो 3,000-3,500 से ऊपर आपको ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, पर यहाँ पर देखिए 10,000 तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आपको ये डाल करके दिखा देता हूँ 10,000 रियाल, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप किस पर्पज से आप भेज रहे हो वो आपको सेलेक्ट करना होता है। तो मेरा तो सैलरी है और वो सब सैलरी है और फैमिली मेंटेनेंस के लिए भेज रहा हूँ, उसको मैंने रहने दिया और नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपको रिव्यू करने के लिए ऑप्शन आ जाता है कि आप अपना बैंक अकाउंट नाम और ये एड्रेस वगैरह सब एक बार मैच कर ले। एक बात और यहाँ पर देखिए सिर्फ 15 रियाल ही लगते हैं सर्विस चार्ज जो उनका होता है, 15 रियाल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना सब कुछ डिटेल्स अपना सब कुछ देख लिया, अभी सब कुछ मेरा ओके है। तो मैं आप इसको लिए सेंड ट्रांसफर पे कर देता हूँ। ओके, तो सेंड ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे एक ओटीपी कोड मांगेगा फिर से, फिर ओटीपी कोड आपके मोबाइल पर आ जाएगा, वो ओटीपी कोड आप इंटर कर करके यहाँ पे से नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के बाद यहीं पे आपको रिसिप्ट भी मिल जाएगा और रिसिप्ट चाहे तो आपके मेल पे भी आ जाएगा। ये हैंड टू हैंड आपके 2 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में 2 मिनट में रिसीव हो जाता है।
तो दोस्तों यह है प्रोसेस आपको अकाउंट में पैसे भेजने का, और बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। आप डायरेक्ट रूम पे बैठे ही सभी एक्सचेंज का आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन से एक्सचेंज में क्या रेट है, और आप यहीं से भेज सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया और कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो आपको बना करके दे दूँगा, तो आपको अकाउंट बनाने का एक व्यू मालूम चल जाएगा और पैसे कैसे इसमें डालेंगे डिपॉजिट भेजने के लिए वो भी आपको मालूम हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।